हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैक्स टेक्नोलॉजी। आपको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने एसडी कार्ड का या पेन ड्राइव का साइज़ इंक्रीज कैसे करते हैं, यानी कि बढ़ाया कैसे जाता है, साइज़ इंक्रीज कैसे करते हैं। जैसे कि आपका पेन ड्राइव या एसडी कार्ड 2 GB का है तो उसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB में कैसे कन्वर्ट करें, उससे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मैं चैनल पे यहाँ पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का नीचे एक इसी तरीक़े से एक दिया होता है सब्सक्राइब का ऑप्शन, इसमें उस पर क्लिक करने से सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करते समय आप एक बेल का चिन्ह आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज पेन ड्राइव और एसडी कार्ड साइज। पेन ड्राइव एसडी कार्ड का साइज इंक्रीज कैसे करते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी कि बढ़ाया कैसे जाता है एसडी कार्ड का साइज या पेन ड्राइव का साइज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, उसको फॉलो कर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर दीजिएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो डायरेक्ट मैं उसे ओपन कर देता हूँ। उसका सॉफ्टवेयर का नाम है अल्टीमेट ड्राइव इंक्रीज, तो इसे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 GB का एसडी कार्ड लगाया हुआ है इसमें, तो इसे 16 GB बनाना है। 16 GB चलिए बनाकर देखते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद आप अपने, ये क्या पूछ रहा है, आप अपने क्या बोलते हैं एसडी कार्ड को क्या मतलब क्या नाम से बुलाया, कोई भी नाम से, या आर ओ एम है तो आर आप टाइप कर दीजिए। कैपिटल लेटर में आर दीजिएगा तो इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद ड्राइव लेटर की टाइप, तो ड्राइव लेटर क्या है, तो यहाँ पे ड्राइव लेटर तो यल है, यल देख रहे हैं आप, तो यल यल टाइप कर दीजिए आप। कैपिटल लेटर में लिखना है और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद टाइप द साइज यू वांट, मतलब आप कितने साइज चाहते हैं इस एसडी कार्ड का। तो मैं 16 GB बनाना है तो 16 GB दे देता हूँ। 16 GB टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। देख रहे हैं इट्स वर्किंग, कुछ वर्क हो रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा इसे होने में। इसके बाद मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो देखते जाए कैसे ये 1.2 GB का एसडी कार्ड 16 GB में कैसे कन्वर्ट होता है। दोस्तों मैं वही कट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारा बोलता है ऐसे फेक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेस एनी की, तो यहाँ पे एग्जिट मैं कर देता हूँ इंटर, कुछ प्रेस एनी की में। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 15.9 GB आ गया है 16 GB का पेन ड्राइव, जब 16 GB का एसडी कार्ड ये हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं वो ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका एसडी कार्ड था 2 GB का था, तो आपने इसे 16 GB बना दिया, 16 GB तो ये बन गया है, पर इसमें 2 GB का ही डाटा जा सकता है, उससे ज़्यादा आप डाटा नहीं रख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको, आप बहुत सारा यूट्यूब में ऐसा टाइप का वीडियो आया हुआ है,
मैं देख रहा हूँ बना वीडियो बनाकर सोए बोल दे रहा है कि ये वर्क कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें आप 2 GB का डाटा ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते, ये लेगा ही नहीं। और आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे ये 16 GB तो हो गया, तो 2 GB का तक ही डाटा इसमें जाएगा, तो इसे आप फॉर्मेट करेंगे तो आपका जैसे 2 GB का पेन ड्राइव था तो जो 2 GB का हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे फॉर्मेट करके देता हूँ। ओके, फॉर्मेट करते ही देख रहे हैं जैसा का तैसा हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और भी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो का नीचे एक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब हो जाएगा आपका। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।